अथाष्टावें शो अध्याय शंखचूड की पुष्कर क्षेत्र में तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे बल की प्राप्ति, ब्रह्मा की प्रेरणा से शंखचूड का तुलसी से विवाह। सनत कुमार उवाच। शंखचूड़ो सह जयीश व्युपदेशतः तपश्चा कर सुप्रीत प्रमाण पुष्करे चिरं गुरुदत्तं ब्रह्मविद्या जजापानियतेन्द्रियं स एकाग्र मना भूत्वा करुणानि निगृह च। सनत कुमार बोले, उसके बाद उस शंखचूड ने जयगीशव्य महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीति पूर्वक बहुत काल पर्यंत तप किया। उसने एकाग्र मन होकर इंद्रियों तथा उसके विषयों को जीत कर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना प्रारंभ किया। तपन्तं पुष्करेतं शंखचूडं च दानवं वरं दातुं जगामाशु ब्रह्मालोकः गुरुविभुः। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उस शंखचूड दानव को वर देने के लिए लोक गुरु विभु ब्रह्मा शीघ्र वहाँ गए। वरम ब्रूहिति प्रोवाच दानवेन्द्रम विदिस्तदा सदृष्ट्वा तम ननामातिं नम्रस्तुष्टव सद्गिरा वरम ययाचे ब्रह्माण माजेयत्वं दिवोकसाम तथेत्याह विदिस्तं सुप्रसन्नेन चेतसा। ब्रह्मा ने उस दानवेंद्र से कहा, वर मांगो। तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि देवगण मुझे जीत न सके। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा कि ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण कवचम दिव्यम जगन मंगल मंगलम दत्तवान शंखचूड़ाय सर्वत्र विजय प्रदम। उन्होंने उस शंखचूड़ को जगत के मंगल को भी मंगल बनाने वाला जगन मंगल मंगल नामक और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। बदरीं संप्रयाहितं तुलस्य सह तत्र वै विवाहं कुरु तत्रैव सतपश्यति कामतः धर्मध्वज सुता सेति संदिदेश च तं विधि अंतर्धानं जगामाशु पश्यतस्तस्य तक्षणा। तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहाँ तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्मध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उसे कहा और उसे देखते देखते शीघ्र ही उसी क्षण अंतर्धान हो गए। ततः स शंखचूड़ो हि तपः सिद्धोति पुष्करे गले बाबन्ध कवचं जगन् मंगल मंगलम् आज्ञया ब्रह्मणः सोऽपि तपः सिद्ध मनोरथ समाययो प्रहिष्टस्य तृणं बदरिकाश्रमम्। तदनंतर तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर उस शंखचूड़ ने वहीं पुष्कर में ही जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध लिया। उसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्न मुख वा शंखचूड़ ब्रह्मा की आज्ञा से शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में आया। सुरूपा सुष्मिता तन्वि शुभ भूषण भूषिता सकटाक्षं ददर्शास तमेवा पुरुषं परम्। वह दानव शंखचूड अपनी इच्छा से घूमते हुए वहाँ आया। वहाँ धर्मध्वज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुंदर रूप वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, सूक्ष्म कटिप्रदेश वाली और शुभ भूषणों से भूषित उसने उस श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखा। विश्वाताम ललिताम रम्या तुशीलाम सुंदरीम सती
सतत्समीपे तु मधुरं तम वाच सह। तब शंखचूड़ भी उस मनोहर रम्य सुशील सुंदरी एवं सती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुर वाणी में उससे कहने लगा, शंखचूड़ वाच। तत्वं कस्य सुता त्वं हि किं करोषि हितकृतिं मानि भूता किंकरं संभावे तु विहरसि। शंखचूड़ बोला, हे देवी तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर यहाँ क्यों बैठी हो, तुम मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। सनत कुमार उवाच। इत्येवं वचनं सकामं तमुवाच सा। सनत कुमार बोले, इस प्रकार का वचन सुनकर उस तुलसी ने सकाम भाव से उससे कहा। तुलसी उवाच। धर्मध्वज सुताहं च तपस्यामि तपस्विनी तपोवाने चतिष्ठामि तस्त्वं गच्छ यथासुखम्। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या करती हूँ, तुम कौन हो, चुप पूर्वक यहाँ से चले जाओ। नारी जातिर मोहिनी च ब्रह्मादीन विशोपमा निन्द्या दोष करी माया शृंखलायनुशायिनाम। नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह लेने वाली, विष के समान निंदनीय दूषित करने वाली, माया रूपिणी तथा ज्ञानियों के लिए श्रृंखला के समान होती है। सनत कुमार उवाच। इत्युक्त्वा तुलसीतं च सरसं विरामः दृष्ट्वा तां सस्मितां सोऽपि प्रवक्तुमुपचक्रमे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गयी। तब वह मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी को देख कर वह भी कहने लगा। शंखचूड़ उवाच। कथितं देवि न च सर्व मलिककम् किञ्चित् सत्यमलिकं च किञ्चिन्मत्तो निशमया। शंखचूड़ बोला, हे देवी तुमने जो कहा है वह सब झूठ नहीं है, इसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ भी है, अब कुछ मुझसे सुनो। पतिव्रता श्रियो यश्च तासां मध्ये त्वमग्रणी न चाहं पापद्रेखानि तथा त्वं यदि धीर्मम। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम अग्रगण्य हो, मैं पाप दृष्टि वाला एवं कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम वैसी भी नहीं हो, मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है। आगच्छामि त्वत्समीप मोक्षया प्रमणो धुना गन्धर्वेण विवाहेर त्वं वेहिष्यामि शोभने शङ्खचूडमेवास्मि देवमित्रावकारक मां न जानसि किं भद्र न श्रुतोऽहं कदाचन। हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह के द्वारा तुम्हें ग्रहण करूँगा। हे देवी, मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूँ। हे बद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती, क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है। धनुवंश विशेषेण दम्भपुत्र दानव सुदामानम गोपोहम पार्षदश्च हरपुरा। मैं विशेष करके धनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और दम्भ का पुत्र शंखचूड़ नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। अधुना दानवेन्द्रोऽहं राधिकायश शापुतः जातिस्वारोऽहं जानामि सर्वं कृष्ण प्रभावतः। राधिका के शाप से मैं इस समय दैत्यराज हूँ, मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है, मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। सनत कुमार उवाच। एवमुक्त्वा शंखचूड़ वीरराम च तत्पुरः दानवेन्द्रेण सेत्युक्त्वा वचनं सत्यमादरः सस्मितं तुलसीतुष्टः प्रवक्तुम् अचक्रमे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवेंद्र के द्वारा आदर पूर्वक सत्य वचन कहे जाने पर वह तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्कुराती हुई कहने लगे। तुलसी उवाच। त्वया मधुना सत्व विचारेण पराजिता सधन्य पुरुषो लोके नस्त्रियाय पराजिता। तुलसी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर दिया है। संसार में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री से पराजित नहीं होता है। सत्क
त्रियोभ्य शोचे नित्यं सपोमान्य श्रियचितः निन्दन्ति पितरो देव मानवः सकलाश्चतम्। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य अपवित्र है। देवता पितर तथा मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। शुद्धे द्वित्रो दशाहेन जातके मृत सूतके क्षत्रियो द्वादशाहेन दश पंच दशहतः शूद्रो मासेन शुद्धेत्तु नीति वेदानुशासनम् नाशुचिः स्त्री जितः क्वापि च्युतादाहं विना कुमार। जनन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ऐसी वेद की आज्ञा है, परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष बिना चिताग्रह हुए कभी भी शुद्ध नहीं होता। न गृहन्ति क्षया तस्मा पितरः पिंड तर्पणम् न गृहन्ति सुरस्तेन रतन पुष्प फलादिकम् तस्य किं ज्ञान सूतपो जपाहोम प्रपूजन विद्यया दानतः किं श्रीवीर्यस्य मनोहृतम्। उसके तर्पण का जल एवं पिंड भी पितर लोग इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता उसके द्वारा दिए गए पुष्प फल आदि को ग्रहण नहीं करते हैं। उसके ज्ञान श्रेष्ठ तप जप होम पूजन विद्या एवं दान से क्या लाभ है जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो। विद्या का भाव ज्ञानार्थम माया तुम च परीक्षितः कृत्वा कान्त परीक्षां। मैंने आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वरण करना चाहिए। सनत कुमार उवाच। इत्येवं प्रवदन्त्यां तु तुलस्यां तक्षणे विधि तत्र जगाम संश्लिष्ट उवाच वचनं ततः। सनत कुमार बोले, अभी तुलसी इस प्रकार कह रही थी कि जगत सृष्टा ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और यह वचन कहने लगे। ब्रह्मा उवाच। किं करोषि शङ्खचूड संवाद मनया सह गान्धर्वेण विवाहेन त्वमस्या ग्रहणं कुरु। ब्रह्मा जी बोले, हे शङ्खचूड, तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो? गांधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। तुम वै पुरुष रत्नं च श्रीरत्नं च प्रियं सति विदग्धाया विदग्धेन संगमो गुणवान भवे। तुम पुरुषों में रत्न हो, यह सती भी स्त्रियों में रत्न है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुणयुक्त होता है। निर्विरोधम सुखम राजन भुवा त्यजति दुर्लभम यो विरोध सुख त्यागी चपशुर्नत संशयः। हे राजन, यदि विरोध के बिना ही दुर्लभ सुख प्राप्त होता है तो ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं है। किंकं परीक्षसे कान्त नीतिशं गुणिनं सति देवानां सुराणां च दानवानां विमर्दकम्। हे सती, तुम देवताओं असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? अनेन सर्वं सुचिर विहारं कुरु सर्वदा स्थाने स्थाने यतेक्षं च सर्वलोकेषु सुन्दरी। हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोकों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। अन्ते प्राप्स्यति यो लोके श्रीकृष्णं पुनरेव सह चतुर्भुजं च वैकुण्ठे तस्मिन्। अंत में वह गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा और उसके मर जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। सनत कुमार उवाच। इतिवमशिषं दत्त्वा स्वरयं तु ययो विधि गान्धर्वेण विवाहेन जगृहे कंच दानव। सनत कुमार बोले, इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए और उस दानव ने गंधर्व विवाह के द्वारा उसे ग्रहण किया। एवं विवाह तुलसी पितुः स्थानं जगमः सरे मेरं
इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ रमण करने लगा। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे शंखचूर तपह कर्ण विवाह वर्णनम नामाष्ट विंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर की तपस्या तथा विवाह का वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।